गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली पी ब्लॉक से रिजेंबल करता है ग्रुप 16 से। ऑक्सीजन फैमिली में आपके आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेलियम और पोलेनियम। ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो ये 8 होता है, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 2p4। सल्फर का हो जाएगा आपका 3s2 3p4। इसका हो जाएगा 3d10 4s2 4p 3p4 4p4। टेरेलियम का हो जाएगा 4d10 5s2 5p4। पोलोनियम का हो जाएगा 4f14 5d10 6s2 6p4। तो हम सब में क्या देख रहे हैं, ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो रहा है, लास्ट में इसमें पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4, और सभी के लास्ट में टोटल आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6। ओके, तो इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है हम क्या देख रहे हैं, 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4, क्या सिर्फ नंबर ऑफ पीरियड्स चेंज हो रहे हैं। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिख सकते हैं, NH2NP4। ओके, ऑक्सीजन आपका क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। बाकी जो होते हैं आप इसमें पोलोनियम जो होता है वो आपका मेटल होता है, बाकी सभी नॉन मेटल की कैटेगरीज में आते हैं, मेटलॉइड की कैटेगरीज में आते हैं। ये दोनों नॉन मेटल होते हैं, ये मेटलॉइड होते हैं और ये मेटल होते हैं। ओके, जब हम पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो उसमें जब हम बोरॉन फैमिली पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका डी कॉन्ट्रैक्शन और एफ कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आता है, लेकिन जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन और एफ कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ऑक्सीजन फैमिली तक आते आते इसका इफेक्ट बिल्कुल नील हो जाता है। तो जनरल ट्रेंड की बात करें तो इसका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो अप टू डाउन जाने पे इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ नंबर ऑफ सेल। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से उसका आउटर शेल का जो रेडियस होता है या जो साइज होता है एटम का वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज होता जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियाई कितना है, 66 है, इसका 104 है, 117 है, 137 है और 146 है। तो हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियाई अप टू डाउन जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब आती है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों को एटम से लूज करने की जो टेंडेंसी होती है, जो एनर्जी यूज करनी पड़ती है, उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे आपका साइज बड़ा होता जाएगा आप इलेक्ट्रॉनों को आसानी से क्या कर सकते हैं, एटम से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि एटम से और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होता है जब साइज बड़ा होता जाता है। तो जैसे जैसे आपका साइज बड़ा होता जाएगा एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो अप टू डाउन जाने पर क्या हो रही है, अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इसकी हो जाएगी, फिर इसकी और फिर इसकी। अब आते हैं बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपका साइज पे डिपेंड करता है, जैसे आपका साइज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, अप टू डाउन जाने पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। साइज अप टू डाउन जाने पे इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी अप टू डाउन जाने पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो गई। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है एटम में इलेक्ट्रॉनों को पुट करना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑलरेडी स्मॉल साइज का है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा हो रहा है, तो ऑक्सीजन कंपैरेटिवली बहुत छोटा हो जाता है और उसमें लोन पेयर भी होते हैं जिसकी वजह से रिपल्शन बहुत वर्क करने लगता है। तो एक्स्ट्रा एटम डालने के लिए उसमें बहुत एक्स्ट्रा एटम हम नहीं डाल सकते हैं, वो बहुत कैपेसिटी नहीं रखता एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल अपने अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इसकी वजह से क्या होता है, सल्फर
की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कंपेरेटिवली ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाती है। तो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर की होगी, फिर सेलेनियम की, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। देखिए यहाँ पे 200 है, उसके बाद 141 है, फिर 195 है, फिर 190 है, ठीक है। एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट का मतलब होता है वो किस स्टेट में पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका गैसियस स्टेट में पाया जाता है क्योंकि वो डायटोमिक फॉर्म करता है, स्मॉल साइज भी होता है उसका। लेकिन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जितने, जैसे आपके हो गए सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेरेलियम हो गया, पोलेनियम हो गया, ये सभी के सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल में वो बहुत लार्ज स्केल में अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे सल्फर आपका H2 के फॉर्म में भी पाया जाता है, H6 के फॉर्म में भी पाया जाता है और H8 के फॉर्म में भी पाया जाता है। तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन आपका गैस है, बाकी रेस्ट ऑफ द मेटल्स आपके क्या हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एज अ जनरल जैसे होता है, अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इन सभी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अप टू डाउन जाने पे इंक्रीज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी